WPS की चार अकसाम। तारुफ, सनत में इस्तेमाल होने वाले WPS की चार अकसाम को इनकी अहलियत के तरीक़ेकार के लिहाज से दर्जा बंदी की जाती है। पहली किस्म जांच के ज़रिए क्वालिफाई की जाती है। दूसरी किस्म एक काबिल इतलाक कोड के ज़रिए पेश की अहलियत है। तीसरी किस्म जिसे मेयारी वेल्डिंग के तरीक़ेकार की तफसीलात कहा जाता है, इससे पहले फैब्रिकेटर्स और ठेकेदारों के ज़रिए की जाने वाले टेस्टरों से तावन हासिल होता है। चौथी किस्म को मॉकअप टेस्ट के ज़रिए क्वालिफाई किया जाता है। हर एक के बारे में मज़ीद जानने के लिए नीले बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। टेस्टिंग के ज़रिए WPS क्वालिफाइड। एक बिल्कुल नया वेल्डिंग के तरीक़ेकार की तफसीलात इस वक्त तख्लीक की जाती हैं जब एक मैन्युफैक्चरर को मखसूस मैकेनिकल खसूसियात के साथ वेल्डमेंट तैयार करने की ज़रूरत होती है, जिस पर मौजूदा WPS के ज़रिए तवज्जो नहीं दी जाती है। यह WPS नमूने के वेल्ड पर मेयारी तखरीबी और गैर तखरीबी टेस्ट करके अहल होते हैं। अगर वेल्ड मतलूबा तकाजों को पूरा करता है तो PQR पर दस्तखत किए जाते हैं और WPS को दुरुस्त समझा जाता है और इसे पैदावार में इस्तेमाल करने के लिए तैयार समझा जाता है। यहाँ दिखाया गया WPS जांच के ज़रिए क्वालिफाई किया गया है। प्री क्वालिफाइड WPS। कुछ WPS को मखसूस कोड के ज़रिए प्री क्वालिफाई किया जाता है, जैसे कि स्टील के लिए AWS D1.1 स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड। तरीक़ेकार को कुछ हदूद और तकाज़ों को पूरा करना होता है, जो तरीक़ेकार के काबिल कबूल तारीखी इस्तेमाल की बुनियाद पर कोड से आते हैं। पहले से क्वालिफाइड वेल्डिंग के तरीक़ेकार की तसरीहात में ऐसी बुनियादी दातों का इस्तेमाल करना होता है जिनमें अच्छी वेल्डेबिलिटी होती है और फिलर दातों में कीमियाई खसूसियात से मवासलत होना ज़रूरी है। पहले से क्वालिफाइड WPS में तरीक़ेकार पर बिल्कुल अमल करना होगा, वरना ये अपनी अहलियत की हैसियत खो देगा। मियारी WPS। मियारी WPS या WPSs ये अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के ज़रिए शाया और फरोख्त किए जाते हैं। इन्हें ठेकेदारों और ताने बाने बनाने वालों के टेस्टों के ज़रिए मदद मिलती है। अगरचे दरख्वास्त की कुछ हदूद हैं, अगर मैन्युफैक्चरर वेल्डिंग के पूरे तरीक़ेकार की अहलियत के अमल की लागत को कम करना चाहता है और SWPS बिल्कुल वही करेगा। WPS क्वालिफाइड बजरिया मॉकअप टेस्ट। अगर एप्लीकेशन इंतहाई महारत याफ्ता है, मियारी जांच मुमकिन नहीं हो सकती, तो इन हालात में WPS को क्वालिफाई करने के लिए मॉकअप टेस्ट इस्तेमाल किया जाते हैं। ख़रीदार और मैन्युफैक्चरर या गाहक और मालिक के ज़रिए फ़र्जी टेस्टों पर इत्तफाक़ किया जाता है। वेल्डिंग की मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।